पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाओं ने विधि पूर्वक की वट वृक्ष की पूजा अर्चना। आपको बता दें, जिले भर में गुरुवार को वट वृक्ष के पास अखंड सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु को लेकर विधि पूर्वक वट वृक्ष की पूजा अर्चना की और वट सावित्री की कथा सुनी। इस दौरान सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए पति दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहने एवं अखंड सुहागिन रहने की कामना की। आपको बता दें कि सनातन धर्म में हिंदू मान्यता के अनुसार वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की पूजा करने का तात्पर्य यमराज की पूजा करना होता है और यमराज देव को प्रसन्न करना होता है। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत करने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र एवं दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए व्रत रखती है। वट वृक्ष का पूजन खासकर ज्येष्ठ मास की अमावस के दिन सुहागिन महिलाएं सावित्री का व्रत करती है। सनातन धर्म के अनुसार शास्त्रों में कई वर्णन मिलते हैं। वट वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय माना जाता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार वट वृक्ष त्रिदेवों का वास होता है। इसी को लेकर सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष का पूजन करते समय वट वृक्ष के कच्चे सूत से वट वृक्ष का 7 फेरे लगाती है और सावित्री व्रत विधि पूर्वक पूजा कर कथा सुनती है।